बार 26 जनवरी को दो दो परेड होगी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी, सलामी वहां पर दी जाएगी, तो दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ किसान अपनी परेड निकालेंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए तीन रूट्स को मंजूरी दी गई है। तीनों रूट पर दिल्ली में कल 100 किलोमीटर तक किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे, लेकिन रूट को लेकर किसानों का एक खेमा अब भी आपत्ति जता रहा है। हमारा जो सरकार की परेड होगी उनमें किसी किस्म का कुछ इस तरह का डिस्टर्ब करना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। किसी भी स्मारक में ऊपर इस तरह का कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, उनको लगता है भी आपके आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे, जो रिंग रूट के बैक साइड हो सारी बैरिकेडिंग कर ले, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हम पीसफुली जाएंगे, प्रोग्राम करने के बाद वापस आएंगे। यानी कि आप 50 किलोमीटर का जो तो कल होनी है ट्रैक्टर परेड, लेकिन उससे पहले सिंगू बॉर्डर पर किसानों का मंथन भी लगातार जारी है। हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट वहीं से। ट्रैक्टर तिरंगे के साथ तैयार है, लेकिन ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो बात सिर्फ ट्रैक्टर की नहीं होगी, बात यहाँ उससे आगे भी है, म्यूजिकल है। और यहाँ जो युवा है वो लगातार जो है देशभक्ति की धुन पर थिरक भी रहे हैं। ये है डीजे, ये डीजे लाया गया है खास तौर पर कि इसी ये चलेगा। ये डीजे भी ले जाओगे आप साथ साथ रैली में? डीजे भी चलेगा? डीजे भी जाएगा साथ, जाएगा डीजे। अच्छा, यहाँ पे डांस चल रहा है पूरा? हाँ, पूरा डांस चल रहा है। दिल्ली पे फतह हासिल करनी है, तीन काले कानून वापस लेंगे हम, माने ना। तो ये है लगातार लगातार ये जो है जो युवा है उनका जोश अलग है, वो देशभक्ति के गानों पे थिरक भी रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो तीनों काले कानून है इनके मुताबिक उसको वापस भी करवाएंगे, उनको हटवाएंगे भी। तो ये एक तरीका है, ये एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और केवल ट्रैक्टर रैली नहीं है बल्कि बाकी भी कई सारे कलर है। अब देखिए ये सड़क पे हुक्के की बार देखिए, तो लगातार अलग अलग तरीके से ये जो किसान रैली होगी, ट्रैक्टर रैली होगी, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। युवाओं से लेकर डीजे से लेकर चाहे ये हुक्का हो या बाकी तमाम चीजें हो। कुमार कुणाल की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि जो डूज एंड डोंट्स किसानों की तरफ से जारी किया गया उसमें एक ये भी बात है कि अपनी तरफ से किसी गीत संगीत गाने डीजे का कोई कार्यक्रम वहां पर नहीं होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट्स को भी सुनाना है वहां पर और इस तरह का कोई भी हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल अब आपको सिंगू बॉर्डर से भी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जहां राजपथ पर झांकी दिखाई देगी, देश की ताकत दिखाई देगी, वहीं सिंगू बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। दिल्ली की तीन सीमाओं में सिंगू बॉर्डर भी है जहां बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। रूट तय हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुशासन के साथ हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लेकर के किसानों की ये यात्रा यहां सिंगू बॉर्डर से निकलेगी। आगे पुलिस का दस्ता होगा, पीछे किसान नेता होंगे और उनके पीछे हजारों की संख्या में यहां से ट्रैक्टर निकलेंगे दिल्ली की सीमा तक और तय रूट के मुताबिक तिरंगा लेकर के अपनी देशभक्ति दिखाते हुए जो किसान यहां कृषि कानूनों के खिलाफ टिके हैं इस गणतंत्र दिवस पर इस जश्न का हिस्सा होंगे। जाहिर है तस्वीरें दुनिया देखेगी भारत के किसानों की देशभक्ति इस गणतंत्र दिवस पर। सिंघू बॉर्डर से पवन के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।